अस्सलाम वालेकुम। इस चैनल को लॉन्च करने का मकसद कि आप नेशनल और इंटरनेशनल रेसिपीज घर बैठे आसानी से हासिल कर सकें। तो चलिए आज हम बनाते हैं पाइनएप्पल फिरनी। एक किलो दूध, कुटे हुए पिस्ते 2 टेबलस्पून, छोटी इलायची पिसी हुई 1/2 टीस्पून, कुटे हुए बादाम 2 टेबलस्पून, पाइनएप्पल 1 कप, उनको ब्लेंड कर लें मोटा मोटा सिरप के बगैर, चीनी 3 टेबलस्पून, कंडेंस्ड मिल्क 1/2 कप, चावल 1/2 कप, उनको 3 से 4 घंटा भिगो लें और फिर ब्लेंड कर लें। देगची में दूध डालें और उबाल आने दें। दूध में उबाल आ गया है, अब हम इसमें पिसे हुए चावल डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम इसे 20 से 25 मिनट पकाएंगे और चमचा वक्फे वक्फे से चलाती रहें। हमारे दूध को पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। आप इसे लो फ्लेम पर पकाएं और मुसलसल चमचा चलाती रहें ताकि इसमें कोई गुठली ना पड़े। अब हमारे दूध को पकते हुए 25 मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें पिसी इलायची डालकर मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें चीनी डालेंगे, मिक्स करेंगे और इतना पकाएंगे कि चीनी का पानी खुश्क हो जाए। हमारी फिरनी अब पक गई है अच्छे से और गाढ़ी भी हो गई है, अब हम इसे ठंडा कर लेंगे। हमारी फिरनी अच्छे से रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो गई है, अब हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। कंडेंस्ड मिल्क डालकर मिक्स कर लिया है हमने, अब हम पाइनएप्पल डालेंगे और मिक्स करेंगे। पाइनएप्पल डालकर हमने मिक्स कर लिया है, अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे 1 से 2 घंटा, खूब अच्छे से ठंडा कर लेंगे। हमारी फिरनी अच्छे से ठंडी हो गई है, अब हम इसे बादाम और पिस्ते से गार्निश कर लेंगे। लीजिए, मज़ेदार पाइनएप्पल फिरनी तैयार है और इसे आप बच्चों के लिए बनाएं तो बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे।